प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस से मिशन 2024 का आगाज करेंगे। उनकी पहली जनसभा 24 दिसंबर को कुर्मी वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण रोहिणिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी। जनसभा के जरिए नीतीश कुमार यूपी में 2024 को लेकर संभावनाएं टटोलेंगे, वहीं कुर्मी वोटों का इंडिया गठबंधन के पक्ष में मिजाज भापेंगे। बनारस के जनसभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के संगठन मंत्री श्रवण कुमार ने संभाली है। वह बनारस में कैंप कर तैयारी में जुटे हैं। श्रवण कुमार के साथ 10 नेताओं की टीम है जो रोज अलग अलग गांव में जाकर नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों को सभा में आने का न्योता दे रही है। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बता रही है। देखिए जेडीयू का क्या हाल है, ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में आए। बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीज़ों से बचने के लिए ये तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका। ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे कह रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो कई चीज़ों से उत्साहित होते हैं। यहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाए। मुख्यमंत्री जी तो नारद मोह में पड़े हुए हैं। नारद जी गए थे स्वयंवर में कि भाई हमको चेहरा दे दीजिए कि हम उस लड़की का वरण करें, तो ब्रह्मा जी ने उनको दिया चेहरा। तो उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता वो आदमी। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें, बैठें और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कि बनारस में मीटिंग करके करेंगे क्या, कौन इनको बार पूछता है? अभी चुनाव लड़े तो सभी पांचों चुहिया में के को वोट आया इनको, सब जगह 10 वोट 25 वोट 40 वोट, एक जगह 4400 वोट या 1400 वोट मिला है। तो कहने का मतलब कि इनको कोई पूछ रहा है कौन करने, कोई वहाँ बैठक करें या दिल्ली में बैठक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।